हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर में मकान की छत पर अवैध अफीम के पौधों की खेती करते कब्जे से कुल 35 अफीम के पौधे बरामद, एक युवक गिरफ्तार। श्री राजन दुष्यंत IPS जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि वाहनों के सत्यापन हेतु जिले भर में चलाए जा रहे वाहन सर्वे अभियान के दौरान श्रीमती निर्मा उप निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना औगिक क्षेत्र पाली को दिनांक 8 मार्च को जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि महेंद्र राव पुत्र पूसा राम जाति राव निवासी सोसाइटी नगर पाली के मकान की छत पर अवैध अफीम के पौधों की खेती कर रखी है, जिन पर बड़े बड़े डोड़ा आए हुए हैं। अगर तुरंत महेंद्र राव के उक्त मकान पर दबिश दी आए तो भारी मात्रा में अवैध अफीम के पौधे बरामद हो सकते हैं। उक्त इत्तला पर निर्मा उप निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना और औद्योगिक क्षेत्र थाना में जाब्ता कर महेंद्र राव के सोसाइटी पाली स्थित मकान पर पहुंच कर तलाशी ली गई तो मुलजिम के मकान की छत पर मिट्टी में अवैध अफीम के कुल 35 पौधे उगा रखे थे, जिस पर अवैध अफीम के कुल 35 पौधों को मुलजिम के कब्जे से नियमानुसार जब्त कर मुलजिम महेंद्र राव पुत्र पूसा राम जाति राव उम्र 25 साल निवासी सोसाइटी नगर पाली पुलिस थाना श्री पाली को गिरफ्तार किया जाकर मुलजिम के विरुद्ध NDPS एक्ट पुलिस थाना और श्री पाली दर्ज किया गया। जागरूक टीवी की पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।